अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। भाइयों क्या हाल है आप सबके? ये मास भाई थोड़ा सा यूनिक है लग रहा होगा, इर्तुगुल को प्रमोट करो। नहीं भाई नहीं, ऐसे ही खरीद लिया था। आज जो हम जगह आए हुए हैं ना, वो थोड़ी सी आप लोग को शायद जानी पहचानी भी लग रही होगी, और नॉर्मली इस जगह पे आप लोगों का काफ़ी सुना भी होगा। आज जो है हम एक फूड ब्लॉग कर रहे हैं, फर्स्ट मेरा फूड ब्लॉग है, और फूड रिव्यू और शॉर्ट ऑफ फूड रिव्यू ही हम करने जा रहे हैं। हम कहाँ पे आए हुए, ये हमारे पीछे जो है वो बिल्कुल एक आपको जगह नज़र आ रही होगी जी, ये फरहान बिरयानी है। फरहान बिरयानी पे हम आए हुए हैं, बड़ी मशहूर बिरयानी है और काफ़ी लोगों ने जो है वो इसके बारे में तारीफें भी की है, लेकिन मोस्टली जो अब रिव्यूज़ आ रहे हैं ना, वो ये कहते हैं यार इसकी बिरयानी कुछ खास नहीं रही। तो ये मेरी फेवरेट बिरयानी है, मैं यहाँ पे बहुत बार आ चुका हूँ। फरहान बिरयानी बेसिकली जो है वो ये दो सेक्शंस, और एक जो है सेक्शन आपको जो है वो बिल्कुल उसके रोड के अपोजिट मिलेगा। ये फरहान की जो है वो दूसरी बिल्डिंग जो रोड के बिल्कुल पार है, और यहाँ पे जो है वो फैमिली भी आ सकती है और आप जो है वो लौंडे लौंडे भी आ सकते हैं। आइए तो चलते हैं इस जगह पे और देखते हैं कि बिरयानी के जो है वो किस तरह की है, और लोगों को बताते हैं। तो खाई भी है बहुत बार, लेकिन उन लोगों के लिए जिन लोगों ने जो है फरहान के कुछ ऐसे रिव्यूज़ सुने कि यार फरहान की बिरयानी अच्छी नहीं है, या पहले जैसे जो है वो जायका नहीं रहा, तो आज देखते हैं कि किस तरीके की बिरयानी है। भाई मेरे अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ जो ये दो भाई भी आए मेरे ऑफिस को ले गए। एक तो मेरे साथ कराची वाला ही बंदा है, लेकिन ये इसका है कि बिरयानी ये खाता नहीं। अरे बिरयानी भी आ गई, ये देखिए माशाल्लाह से। ये भाई मेरी आलू वाली बिरयानी है, और ये चिकन बिरयानी डबल। तो भाई ये साहब जो है वो लाहौर से, और ये अब तो ये बेहतर बताएंगे कि बिरयानी का टेस्ट क्या होता है। तो ये पहला बाइट जो है लाहौर वाले ही कर रहे हैं, हमारे मुनीब भाई। भाई किस तरह की बिरयानी है? और लाहौर में आपको क्या खिलाया जाता था? पुलाव बिरयानी के, ओ पैरेलल, लाहौर पे बिरयानी के नाम पे पुलाव। अमीन भाई आप तो बिरयानी खाते नहीं हो, आप सिर्फ घर की बिरयानी खाते हो, बाहर की नहीं खाते। मेरे पास आ गई है बिरयानी, मैंने पहले भी बताया है बिरयानी मैं बहुत बार खा चुका हूँ, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो कह रहे हैं कि भाई इस बिरयानी का टेस्ट अच्छा नहीं, तो भाई ये देख लो चेक करते बिरयानी का टेस्ट वैसा ही है या चेंज हो गया। ये कौन लोग बिरयानी का टेस्ट कर रहा है? बिरयानी का टेस्ट वैसा का वैसा ही है। ये बिरयानी मेरी कब फेवरेट है, जब मैं पहली बार जो है अपनी यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ आया था, और उन्होंने ये बिरयानी मुझे ट्राई करवाई थी। ये मुझे उस दिन से इतनी अच्छी लगी कि आज तक मैं जो है जब भी जौहर आता हूँ मैं ये बिरयानी तो लेके ही जाता हूँ, या मैं खाता हूँ या लेके जाता हूँ। भाई बिरयानी देखो रायता सलाद के बगैर खाओ, सलाद खालो लेकिन रायते के बगैर खाओ तो बिरयानी बिरयानी है। मैं तो रिकमेंड करता हूँ ये बिरयानी खाने के लिए ना भाई आप प्लान बनाओ। ये मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो मेरे एरिया से ताल्लुक रखते हैं, मैं गारंटी बताता हूँ कि वो उन लोगों ने किया कि बिरयानी नहीं खाई होगी। भाई बिरयानी कैसी होती है? बिरयानी होनी चाहिए रसीली, ठीक है? अरे वो चावल इसके जो है बिल्कुल रसीले चावल है, वो ड्राई नहीं है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, ठीक है? चिकन, मैं बिरयानी में थोड़ा चिकन कम खाता हूँ तो मैं सबसे अलग हूँ, लेकिन मैंने खाई है चिकन बिरयानी भी खाई है, चिकन का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। बाकी आलू तो लव है भाई, आलू गैंग का मैं मेंबर हूँ, और आलू के बगैर मेरी बिरयानी नहीं चलती। इसमें भी लोगों की एक अलग जंग है कि जो है वो बिरयानी में आलू होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो मैं तो आलू वाली पार्टी हूँ। बिरयानी हो गई ख़त्म, पेट भी फुल हो गए, और बिरयानी जो है वो बड़े मज़े की थी, और कितने की बिरयानी थी भाई? चिकन वाली जो डबल है वो 140 की है, और शादी वाली बिरयानी जो है वो 100 की है। मैंने 100 वाली खाई है विद बोतल, और हमारे मुनीब भाई
डबल चिकन का ही 140, तो कॉस्टली भी नहीं है इतनी, एक बंदा आराम से खा सकता है और बड़े मजे की मिल जाएगा। तो भाई जो है वो आज हमारा व्लॉग एंड होता है, लेकिन एंड करने से पहले एक समराइज रिव्यू दे देते हैं। खाली मेरी तरफ से नहीं, मुनीब भाई की तरफ से भी रिव्यू आएगा। सबसे पहले मुनीब भाई आप बताओ, बिरयानी कैसी लगी आपको? भाई बिरयानी बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत स्पाइसी थी और लाहौर से कोई कंपैरिजन नहीं है। असल खुशबू हो गई या टेस्ट हो गया कराची की बिरयानी का, और लाहौर की तो पुलाव होते हैं, हमें बिरयानी खिला देते हैं। लाहौर यो बाज आ जाओ, बिरयानी के नाम पे पुलाव खिलाना बंद करो। ना इंसाफी हो रही है इन लोगों के साथ। बाकी मैं क्या कह सकते हैं, लाहौर लाहौर है। मेरा तो आप लोगों ने रिव्यू देख लिया था, मेरा बिल्कुल ऑनेस्ट था क्योंकि मेरी ये फेवरेट बिरयानी थी और मैं जो है वो 4 साल से खाता हुआ आ रहा हूँ, तो अभी भी जब भी मैं जौहर आता हूँ तो ये बिरयानी मेरे लिए मैंडेटरी होती है। अच्छा फरहान बिरयानी है कहाँ? पहलवान गोट पे हबीब यूनिवर्सिटी है, हबीब यूनिवर्सिटी से लेफ्ट पे आपको जो है वो बिल्कुल पहली और दूसरी गली के बाद जो है ये फरहान बिरयानी आपको अवेलेबल होगी, और टाइमिंग जो है वो सुबह 10 बजे से रात 11 या 12 बजे तक, लेकिन रश जो है वो बहुत मंड के होता है। आज तो नॉर्मल डे इसलिए नॉर्मली रश है, लेकिन आप जुम्मे वाले दिन आओगे तो जुम्मे वाले दिन आपको यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी बैठने के लिए। फैमिली के लिए जगह है, फैमिली वाले यहाँ पे आके खा सकते हैं, ठीक है। आप टेक अवे का भी सीन है, डाइन इन का भी सीन है। तो वीडियो का इख्तिताम इस उम्मीद से करते हैं कि जो है वो आप अपना और अपने घर वालों का जो है वो ख्याल रखोगे। रिज्जू साइन आउट।